गुरु जी, एक ही घर में सब लोग अलग अलग गुरु को मानते हो तो क्या करें? देयर इज अ स्पिरिचुअल फाइट, हाउ टू हैंडल, लड़ाई होती कोई हर्ज नहीं। ये आग्रह न करो सबको ही मेरे गुरु को ही मानो, कहते मत गुरु जगत गुरु, मन्नातस जगन्नाथ, मत गुरु जगत गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा, मेरी आत्मा ही सबके भीतर है, मेरे गुरु सबसे श्रेष्ठ है, मेरे नाथ सबके नाथ है। ये जो भाव है ये तुम्हें अपना एक टिकाने पर लगा रख। तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे के गुरु ठीक नहीं है, हमें कोई अधिकार नहीं ऐसे बोलने के लिए। जिनको जो रूप पसंद है, जो नाम पसंद है, वो बजे। सब में एक को देखो, एक को सब में देखो। भक्ति की कामना न करो, भक्ति है मान के चलो। मुझे और भक्ति दो ये ना पूछो, भक्ति है। वैराग्य क्या? इस प्रश्न का उत्तर चाहिए? ये प्रश्न का उत्तर चाहना छोड़ दो, ये वैराग्य। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये वैराग्य। उत्तर भी नहीं चाहिए। गुरुदेव, धर्म का सही अर्थ क्या है? जो तुमको थामे रखता है वो धर्म है। गुरुदेव, कृपा और पुरुषार्थ की क्या महत्ता है? कृपा से तो साधना पथ पे आते हो, आने के बाद पुरुषार्थ करो तो वो कृपा बनी रहती है। जैसे गाड़ी स्टार्ट करना वो कृपा है, स्टार्ट करने के बाद पेट्रोल रख के रहना गाड़ी में, ये पुरुषार्थ है। पेट्रोल ही नहीं है, स्टार्ट कितने बार करते रहो, गाड़ी कैसे आगे जाएगी? तो दोनों साथ में चलना पड़ेगा। हाँ गुरुदेव, हमारे जीवन में मानवीय मूल्यों की क्या जगह है? मानवीय मूल्यों को सम्मान करो, जीवन में उसको उतारो। वो नहीं उतारोगे, मनमानी करोगे तो क्या होगा? रोग, दुख और नष्ट मान जो खो जाना। खुशी है अपना, जीवन में कई चीजें खो जाते हैं जो खोने लायक नहीं है। तो आपको अपना शरीर और मन को स्वस्थ रखना हो तो ये ध्यान देना पड़ेगा, हम नैतिकता में चलना पड़ेगा।